चांदनी, मुझे बुबू से हमदर्दी है, लेकिन मैं कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं पढ़ना चाहती। इस केस की मजीद कार्रवाई। एक्सक्यूज मी जज साहब, मैं इस केस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आप कौन? मैं डॉक्टर सारा हूँ। और ये बताओ कि वो स्केचेस किसने बनाए थे? बुबू ने। और उन स्केचेस में कौन था? जगह अंकल, खूबसूरत अंकल, मासूम अंकल। एक बात बताओ, पैसा मिलने के बाद तुम बीबी का क्या करोगी? हाँ, एक बार पैसा मेरे हाथ लग जाए फिर बीबी हमारे किस काम की? मार के फेंक देंगे कहीं और कह देंगे कि बूबू ने उसकी जान ले ली। देव मामा। हाँ। डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं बेटा, मैं तो अल्लाह से दुआ ही मांग रही थी कुछ बेहतर हो जाए। नहीं करो बेटा, मेरा कलेजा फटने लगता है बहू की हालत देख। समझ नहीं आता इस बच्चे का क्या होगा। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो हो रहा है गलत हो रहा है। बेटा, इस बात को मैं समझ रही हूँ कि हमें अदालत में किस तरह से समझाना पड़ेगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम अदालत को बताएंगे कि किस तरह इन हालात को उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई ना कोई रास्ता तो होगा जिससे बीबी बूबू के पास वापस आ जाए। देखो बेटा, हमारा बूबू बिल्कुल अकेला, कोई भी नहीं उसका। अगर उसकी बीवी ही होती, जैसे अगर उसकी शादी हुई होती, कोई उसका साथी होता, तो शायद ये बात आगे बढ़ती और हम समझा सकते कि बीबी को संभालने के लिए दो मियां बीवी हैं जो उसे संभाल रहे हैं। अगर सिर्फ यही बात है कि नाजनीन और शहाब मियां बीवी हैं, तो मेरे पास एक आइडिया, मैं आती हूँ। जो हो अच्छा हो, मेरे बूबू को तकलीफ नहीं। हेलो कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाभी जान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कामरान भाई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोले। मैं चाहती हूँ कि आप कोर्ट में गवाही दे दें। देखिए भाभी जान, मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझे कोर्ट कचहरे के चक्कर से आप दूर रखें। कामरान भाई, मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन मैं आपको कभी तकलीफ नहीं देती अगर मेरी मजबूरी ना होती तो। आप जानते हैं ये केस एक भाई को अपनी बहन से जुदा होने से बचा सकता है, प्लीज मना मत कीजिए। अच्छा, गवाही देनी किसके खिलाफ है? मुझे मिस्टेक हो गई, मुझे तो अभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। अब बुबू ठीक कह रहा था, बुबू बैड नहीं है, तापी बैड है, और मैंने बुबू को कितना हर्ट किया था। मुझे बुबू के पास वापस जाना है, वरना तापी मुझे मार देंगी। तापी बैड है। Once upon a time.
अच्छे हो ना बूबू। बूबू ने अपने सब सीक्रेट बीवी को बता दिए और बीवी ने धोखा दे दिया बूबू को। 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 बीवी ने धोखा दे बीवी ने धोखा दे दिया बूबू को। बीवी ने धोखा दे दिया। बीवी ने धोखा दे गुरु अंकल को इसके भी देख लो। सबके सीकर बीवी ने धोखा दे दिया गुरु को। बीवी ने धोखा दिया। बीवी ने धोखा दे। बीवी ने धोखा। बीवी जी को भेज चाहिए। बीवी ने धोखा दे दिया। आप क्यों रो रही हैं आंटी? आपको भी किसी ने धोखा दिया है? मैंने इन्होंने किसी को धोखा दिया है। आपने किसको धोखा दिया है? मैंने अपने भाई नहीं मैंने अपने पापा को धोखा दिया है। धोखा दिया।
आप क्यों रो रही हैं आंटी? आपको भी किसी ने धोखा दिया है? मैंने किसी को धोखा दिया? आपने किसको धोखा दिया है? मैंने अपने भाई नहीं मैंने अपने पापा को धोखा दिया है। पापा को? आपने किसको धोखा दिया? मैंने धोखा नहीं दिया, मुझे ना मेरी बहन, मुझे ना मेरी बेटी ने धोखा दिया है। क्या नाम है आपकी बेटी का? सॉरी, वो मेरी पर्सनल बात है, मैं नहीं बताऊंगा। आपके पापा का क्या नाम है? सॉरी, वो ये मेरी पर्सनल बात है, मैं नहीं बता सकती। हाँ यस, पर्सनल, ये बेटी ने ना सब पर्सनल बातें बता दी मेरी। हम एक साथ बताएं नाम दोनों? ओके। हाँ यस, वन टू थ्री बेबी। सॉरी बुबू, मैं आपको बहुत तंग किया है। सॉरी, आप सही कह रहे थे, तापी बहुत गंदी है, वो मुझे मार देंगी। सॉरी बुबू, सॉरी। बात नहीं करूंगा मैं। आप मुझे हग नहीं करोगे? नहीं हूं मैं, तुमको याद करता ना जाए गलती कोई, ये फरियाद करता हूँ। It's okay. थोड़ा सा डरता। आपने बोला था ना, जो सॉरी बोलता है उसको इट्स ओके बोलते। इट्स ओके। आप क्यों चली गई थी? और मैं भी ना आपको बहुत मिस कर रहा था। आप क्यों चली गई थी बीवी? आप क्यों चली गई थी तापी के पास? आप मेरे साथ घर चल लो प्लीज प्लीज प्लीज। मैं बहुत ओके। आप घर चलोगी? हाँ। थैंक यू सो मच बीवी, थैंक यू सो मच। और वापस तो नहीं जाओगी ना आप? नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाँ यार, रोना नहीं, चलो घर चलते। रोना नहीं, ओके? रोना नहीं। यार तो हैवी बैग है ना वो, चलो मैं उठा लूंगा। आ जाओ चलो। वो लड़का कामरान मान गया गवाही देने के लिए? तो मान गया है, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दिल तो बेटा मेरा भी बहुत घबरा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, बस सोच सोच के दिमाग घूम रहा है। मामा,
क्या हो गया? दे मामा, दे मामा, वो बुबू के कमरे में डाकू आ गए। डाकू? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, ने देखा है कुछ? क्या कह रहे हो? जेब मामा, बुबू के कमरे में सब कुछ टूटा हुआ है और बुबू भी कमरे में नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, कहीं बुबू को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? घर में से किडनैप? क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। सबर बीबी, मार्कर परेशान है, आज रोज चांदनी सब इधर आए। क्या हो गया जोजी, क्या हो गया? बीबी आ गई, आप कहती? बीबी आ गई, बीबी आ गई। साल परी ने और मैंने कितना मिस किया था मेरी बीबी को। हाँ यार, चांदनी आंटी चापी मुझे मार देंगी। कोई तुम्हें नहीं मारेगा, कुछ होगा तुम्हें। देव मामा, बीबी बीबी बीबी, कुछ नहीं होगा। तुम कहीं नहीं जाओगी ना, है ना? नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। सॉरी देव मामा, मैंने आपको बहुत तंग किया है, बहुत रुला है। कोई बात नहीं बेटा, तुम आ गई मेरे लिए यही बहुत है। बीबी बीबी, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च अब आप कहीं नहीं जाओगी। क्यों बाबू, कहाँ से मिली है बता दूं? बस स्टॉप। और बुबू, मैंने आपको बहुत तंग किया है और आप ठीक कह रहे थे, आप भी बहुत बैड है, अब मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगी। हाँ नो नो, आप कहीं भी नहीं जाओगे, हम साथ रहेंगे। साथ रहेंगे बस। वाकई नाज़नीन ने ये सब कुछ कहा है? जी, मैंने खुद ये कहते हुए सुना था और वो लोग हंस भी रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि जब हम लोग को पैसे मिल जाएंगे ना तो बीबी को मार देंगे। मुझे तो पहले ही शक था उस चुड़ैल खबीस पे। नो, कोई कुछ नहीं करेगा आपको। हाँ, मैं कुछ नहीं करने दूंगा किसी को। मेरी मिस्टेक थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था तापी के पास। नहीं मेरा बच्चा, तुम्हारे काय की मिस्टेक है, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। मैं नहीं जाऊंगी तापी के पास। हाँ हाँ, अब ये कहीं भी नहीं जाएगी, हमारे पास ही रहेगी। आप कहीं नहीं जाओगी, अब साथ रहोगी ना मेरे? हाँ हाँ, अब कहीं नहीं जाएंगी बीबी। बीबी तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। क्या बात कर रही हो तुम, पागल हो गई हो? तुम बीबी को यहाँ नहीं रहने का कह रही हो? जेब मामा, कोर्ट का फैसला होने वाला है, बीबी हमारे साथ नहीं रह सकती। चांदनी, तुम बीबी को फिर वही भेजना चाहती हो जहाँ उसे जान का खतरा है? मैं किसी वजह से कह रही हूँ, कल कोर्ट का फैसला होने वाला है, बीबी यहाँ आ गई है, हम पे किडनैपिंग का इल्जाम लग सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे। आपको यहीं रहना है ना? कहीं नहीं जाएंगी बीबी। नहीं वो बेटा, नहीं, नो साइलेंट, कहीं नहीं जाएंगी बीबी, हम साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएगी बीबी, हम कहीं नहीं जाएंगे। ओके चलो, मैं फिर तुमसे बाद में बात करता हूँ। यहाँ खड़े हो, बीबी अपने कमरे में नहीं है। क्या, कहाँ जा सकती है वो? मुझे क्या पता, कहीं वो भाग तो नहीं गई? ऐसा नहीं हो सकता, बीबी भाग नहीं सकती। अब क्या करें हम? और चल, वहीं जाके पता चलेगा, चलो जल्दी। बीबी,
बीबी चलो अंदर चलते हैं। छोड़ूंगी मैं नहीं, चलो अंदर। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। थैंक यू योर हॉनर। कल मैंने बूबू को अपने कटहरे में बुलाया और उसके माजी के मुतालिक उससे कुछ सवालात किए। उससे पता ये चला कि बूबू से ना सिर्फ बीबी तंग है बल्कि और भी बहुत से लोगों को उसकी जान से खतरा है। कल मैंने ये बात जाहिर होने के बाद मिस चांदनी और उनकी फैमिली के ऊपर बहुत परेशानी देखी और जाहिर है कि आपने भी देखी होगी, और वो परेशानी शायद इस बात की थी कि ये लोग केस हारने वाले हैं। लेकिन आज यहाँ कोर्ट में जिस बात ने मुझे, आपको और यहाँ पे मौजूद लोगों को हैरान कर दिया है वो ये है कि हार जाने के खौफ से इन्होंने बीबी को अगवा कर लिया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बीबी को अगवा नहीं किया गया है, वो अपनी मर्जी से वापस आई है। तो फिर आपने उसको वरगलाया होगा, उसको धमकाया होगा, डराया होगा, वरना जो बच्ची पिछले दिनों में बूबू के साथ नहीं रहना चाहती थी वो अब क्यों उसके साथ रहना चाहती है? अगर ऐसी ही बात है तो हम बीबी से खुद पूछ लेते हैं। जनाबे वाला, क्या मुझे इजाजत है कि मैं बीबी को कचहरे में बुलाऊं? इजाजत है। बीबी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप अपनी मर्जी से बूबू के पास वापस आई हैं? मुझे बूबू याद आ रहा था और वो बहुत अच्छा है। उसने बचपन से लेके आज तक मेरा ख्याल रखा है और मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी है। मुझे जो चाहिए होता था वो बूबू मुझे लाके दे देता था, और जब वो खाना खाता था तो पहले वो मुझे खिलाता था, फिर वो खुद खाता था और सोने से पहले मुझे स्टोरीज भी सुनाता था। आपको पता है जब बचपन में मैं रोती थी तो वो पूरी रात जाग के मुझे दूध पिलाता था, सब कुछ करता था। फिर जब मैं सोती थी फिर वो सोता था, और फिर सुबह के मेरे लिए दूध भी गर्म करता था। बूबू मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरा भाई है और मैं उसकी बहन हूँ। I love you, Bubu. कामकाज के बाद अक्सर हम दोस्त यार रात में बैठकर कभी ताश या कभी लूडो खेला करते थे और अमूमन जुआ भी खेला करते थे। एक रात मेरे एक दोस्त के साथ शहाब आ गए और शुरू में तो हमें सिर्फ देखा करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ खेलने भी लग गए और तभी हमारी दोस्ती भी हो गई। बबू, हम दोनों शादी कर लेते। शादी? जज साहब ये झूठ है, इन्होंने बच्ची को वरगलाया है, उसे डराया, उसे धमकाया है। कानून जज्बात से ज्यादा हकायक को तस्लीम करता है, और अब हकायक ये हैं कि एक 7 साल बच्ची की परवरिश के लिए माँ बाप का होना लाजमी है। लिहाजा बीबी की बेहतरीन परवरिश के लिए नाजनीन और उसके शौहर शहाब भी इस वक्त मौजूद है, क्योंकि वही इस बच्ची को हकीकी प्यार दे सकते हैं। बूबू चूँकि मेंटली तौर पर एबनॉर्मल है, वो इस 7 साल बच्ची को सही परवरिश और प्यार नहीं दे सकता। लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस बच्चे को फिलफौर। जनाबे वाला, मैं अपने आखिरी गवाह को अदालत में पेश करना चाहती हूँ। इजाजत है। कामरान साहब, यही कोई 8 साल। शहाब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कराची असल में बिजनेस के सिलसिले में आया था, यहाँ अपना कारोबार शुरू किया मैंने, ये अपनी स्टेट एजेंसी है। कामरान साहब, क्या ये सच है कि शहाब जुआ खेलते हैं और उनको नशे की भी आदत है? कामकाज के बाद अक्सर हम दोस्त यार रात में बैठकर कभी ताश या कभी लूडो खेला करते थे, और
अमूमन जुआ भी खेला करते थे। एक रात मेरे एक दोस्त के साथ शहाब आ गए और शुरू में तो हमें सब देखा करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ खेलने भी लग गए और तभी हमारी दोस्ती भी हो गई। फिर उन्होंने चांदनी से शादी कर ली, मैं भी उस शादी में मौजूद था। फिर कुछ अरसे बाद मेरे बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ, जैसे कि बरकत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो। तब मैंने जुआ खेलना बिल्कुल छोड़ दिया। फिर एक दफा शाहब ने मुझे बताया कि ये जुए में अपना घर हार चुका है और इसके बाद अब रहने के लिए कुछ जगह नहीं, तो मैंने इसको अपने घर में जगह दी। ये रोज़ मुझसे कहा करता था कि लाहौर से एक लड़की आएगी और फिर इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, और यही हुआ। कुछ अरसे बाद नाज़नीन लाहौर से आ गई और फिर उन्होंने निकाह भी कर लिया, और कुछ अरसे में ही ये नया घर ले लिया इन्होंने और ये वहीं शिफ्ट हो गया, तब से वहीं रह रहे हैं। ठीक है कामरान साहब, आप जा सकते हैं। थैंक यू। जनाबे वाला, एक ऐसा शख्स जो जुआ खेलता है और नशा करता है, वो एक 7 साल की बच्ची को कैसे पालेगा? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, किसी भी एक ऐसे शख्स की गवाही से मेरे मौकिला के शौहर की किरदार कशी नहीं की जा सकती। और हो भी सकता है कि कामरान साहब अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं, और हो भी सकता है कि ये शहाब साहब की साबका वाइफ। जनाबे वाला, मैं चाहती तो नहीं थी कि इस बात का जिक्र हो, लेकिन उन्होंने ये बात छेड़ ही दी है तो मैं बता ही देती हूँ। मैंने शहाब से तलाक ली ही इनकी बुरी आदतों की वजह से थी। ये जुआ खेलते थे और नशा करते थे और एक अच्छे बाप साबित नहीं हो पाए थे। तो जो इंसान अपनी औलाद की परवरिश नहीं कर सकता, वो किसी और के बच्चे को क्या संभालेगा? That's all your honor. क्योंकि फरीकैन अपनी अहलियत साबित करने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा ये अदालत बीबी को फॉस्टर कस्टडी में भी देने के बारे में सोच सकती है, लेकिन इस बात का फैसला 3 घंटे के बाद सुनाया जाएगा। तब तक के लिए बीबी अदालत की कस्टडी में रहेगी। एडजर्न। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, बीबी को फॉस्टर होम में नहीं हमारे साथ रहना चाहिए। परेशान मगर जज अंकल माने तो तब ना। बुबू ठीक कह रहा है, जज अंकल को कुछ नहीं आता, तो अब क्या करें? परी क्या कह रही है? परी तो यही कह रही है कि हमें सब इकट्ठे मिलके बैठ के बात करेंगे तो कुछ समझ आएगी ना। लेकिन बात किससे करेंगे हम? चांदनी को ही डिसाइड करने देते हैं। क्या सोच रही हो? जेब मामा, मैं सोच रही हूँ कि जज को ऐसा क्यों लगता है कि बीबी हमारे साथ सेफ नहीं रहेगी। बुबू ने उसको 7 साल पाला है, आप सब ने उसको पाला है, उसका सगा भाई है। तुमने शायद जज की बात गौर से नहीं सुनी। बीबी को माँ और बाप दोनों की जरूरत है, और बुबू तो अकेला ही है ना, उसका कोई साथी ही नहीं है। चांदनी, तुम्हें याद है एक दफा मैंने तुमसे कहा था कि कभी जिंदगी में मुझे तुमसे कोई काम हुआ तो तुम मेरी बात मानोगी? फिर तुमने मेरा हाथ पकड़ के मुझे यकीन दिलाया था कि तुम मेरी बात मानोगी, तो आज वो वक्त आ गया है चांदनी, है ना? कहा था तो, लेकिन इस बात का इससे क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है चांदनी। देखो, बीबी को माँ और बाप दोनों चाहिए, और हमारा बबू अकेला है। इस केस को जीतने के लिए हमें बीबी के माँ और बाप चाहिए, तो तुम बीबी की माँ बन जाओ, तुम बबू से शादी कर लो। चांदनी देखो, मुझे पता है कि बहुत कमी है बुबू में, वो एक ऐसे मर्ज में मुब्तिला है जहाँ लड़कियाँ
ऐसे लड़कों को नहीं अपनाती, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसा लम्हा है जहाँ तुम्हें अपनाने को आदमी सोचता है। फिर तुम्हारे पास एक बेटा है, बूबू के पास एक बेटी है जो उसकी बहन भी है, उसकी औलाद भी है। अगर तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाओ तो तुम आने वाले दिनों में उन दो मासूम बच्चों को बहुत बड़ा सहारा दे सकते हो, और हम इस केस को जीत सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि ये एक मुकम्मल फैमिली है, बीबी के पास माँ बाप भाई सब कुछ है। मुझे यकीन है हम लोग जीत जाएंगे, हम ये केस जीत जाएंगे, उस जालिम औरत से हम अपनी बीबी को ले आएंगे वापस, वरना वो लोग हमारी बीबी ले जाएंगे। प्लीज चांदनी, चांदनी तुम बूबू से शादी कर लो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कैसे करो अल्लाह मियां, प्लीज बीबी को हमारे पास भेज दे, उनको उन दूसरी वाली फैमिली के साथ नहीं भेज दे प्लीज। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, गुड बॉय बन जाऊंगा मैं, प्लीज प्लीज बोलो ना आप। प्लीज अल्लाह मियां, बीबी को ना भेजें, हमारे पास वापस ले आए। हाँ यस। शहरोज, मुझे बूबू से कुछ बात करनी है, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ। दुआ मांग रहे, जाओ आप। कुछ जज बोल रहे हैं वो बीबी को फॉस्टर फैमिली में दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा बूबू। नो, लेकिन वो जज बोले। चांदनी, और आप चांदनी, आप तो कितनी बेस्ट हो ना, आप तो कितनी बेस्ट स्पीच करती हैं, और बेस्ट जॉब भी तो है ना आपकी, और वो कितनी बेस्ट लॉयर भी हैं आप। सब लोग बात मानते हैं आपकी, बीवी भी मानती है आपकी बात, और कितनी बेस्ट स्टोरीज भी सुनाती हैं आप। तो आप इनको बोले ना प्लीज, ये तो सब लोग आपकी बात मान लेते हैं। आप इनको बोले मैं गुड बॉय बन जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। प्लीज बीबी वापस आ सकती है। आ सकती बीबी? कैसे? जज ने कहा था कि बीबी को मामा और बाबा दोनों की जरूरत है, और तुम तो सिर्फ बीबी के बाबा हो। हाँ, मैं तो सिर्फ बाबा हूँ, तो लेकिन फिर मैं क्या करूँ, मैं कैसे लाऊंगा बीबी के लिए मामा जी? मैं तो सिर्फ बाबा हूँ। मैं बीबी की मामा बन जाऊं? नहीं, लेकिन आप तो गुड्डू की मामा हो ना, कैसे बनोगी बीबी जी की मामा? मैं गुड्डू और बीबी दोनों की मामा बन जाती हूँ, और तुम उन दोनों के बाबा। वो कैसे? वो
बुबू हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी? हाँ ऐसे ही तो बनते हैं मामा बाबा। ऐसे बनते तो फिर शादी से मिल जाएंगी बीबी जी हमें। बीबी वापस आ जाएगी। आ जाएंगी? हाँ तो चले। कहाँ? शादी करने। जल्दी जल्दी चले जल्दी अभी कर लेंगे शादी। I have a very shocking news for all of you. Bibi पुलिस कस्टडी के दौरान कहीं गायब हो गई है। What? काम हो गया आपका? और हाँ पैसों का क्या सीन है? ठीक है